Competition community for the first time is coming up with CGPSC Pre English Minimum course. I am prakash Giri and I have dealt with Chhattisgarh Journal Studies in such a manner that the entire syllabus, along with the necessary and reliable information with the help of maps and graphs, have been covered in a very concise manner, which will definitely prove to be very helpful for your preparations. So, hurry and grab this opportunity as soon as possible. Thank you and take care.

एग्जाम में क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव पर उतना इंपॉर्टेंट ना लगे इससे रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन ना आए लेकिन ये इकोनॉमिक के सारे टॉपिक्स को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तो एक तरह से ये फाउंडेशन का काम करने वाले हैं अगर आप इन सारी चीजों को समझेंगे शुरुआत के वीडियो पर तब जाकर इकोनॉमी सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी अच्छे से समझ में भी आने वाला है क्लियर है तो इस वीडियो पर हम वर्चुअल साइकिल एंड विशियस साइकिल ऑफ इकोनॉमी समझेंगे वर्चुअल साइकिल एंड विशेष साइकिल ऑफ इकोनॉमी होता क्या है उसे हम आखिरी में कंक्लूड करेंगे पहले बोर्ड में ये जो सारी चीजें लिखी हुई हैं उसे हम पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में लिखा क्या किया गया है ठीक है चलिए यहां पर सबसे पहले आपको जो वर्ड देखने को मिल रहा है ये क्या है बिजनेस क्लियर बिजनेस से एक एरो निकला और ये प्रोडक्शन से जाकर जुड़ जाता है प्रोडक्शन से एक एरो आता है और लेबर मार्केट वाले बॉक्स से जाकर ऐड होता है इस लेबर मार्केट से एक एरो निकलता है और इनकम से जाकर जुड़ता है और इनकम से एक एरो आता है और हाउस होल्ड लिखे हुए बॉक्स से जाकर कनेक्ट हो जाता है क्लियर है इस हाउस होल्ड वाले बॉक्स से एक एरो और निकलेगा कंजप्शन का नाम लेते हुए और कंज्यूमर मार्केट वाले बॉक्स से जाकर जुड़ेगा क्लियर है फिर इस कंज्यूमर मार्केट वाले बॉक्स से एक और एरो निकलेगा प्रॉफिट का नाम लेकर और यह बिजनेस वाले बॉक्स से जाकर कनेक्ट हो जाएगा क्लियर है वापस आते हैं इस हाउस होल्ड वाले बॉक्स से एक एरो और निकलेगा सेविंग्स का नाम लेकर और यह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाकर एड होगा क्लियर है और फिर उसके बाद एक एरो इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से निकलेगा और इन्वेस्टमेंट का नाम लेकर बिजनेस से फिर से जाकर कनेक्ट हो जाएगा क्लियर है वापस आते हैं हाउस होल्ड से एक और एरो निकलता है तीसरा एरो निकलता है टैक्स का नाम लेकर और ये गवर्नमेंट वाले बॉक्स पर जाकर जुड़ जाता है क्लियर है और इस गवर्नमेंट वाले बॉक्स से एक और एरो निकलता है पब्लिक फाइनेंस के नाम से और ये बिजनेस वाले बॉक्स से जाकर फिर से जुड़ जाता है और इस हाउस होल्ड पर वापस आते हैं तो एक और एरो निकलता है फोर्थ एरो इंपोर्ट का नाम लेकर और ये इंटरनेशनल मार्केट लिखे हुए बॉक्स से जाकर ऐड होगा और इस बॉक्स से एक एरो निकलेगा एक्सपोर्ट नाम से और ये भी जाकर बिजनेस से जुड़ जाता है तो अभी तक मैंने आपको यह बताया कि एक्चुअल में बोर्ड में जो वर्ड लिखे हुए हैं वो है क्या उसमें लिखा क्या गया है और कौन सा एरो कहां से निकला और किससे जुड़ रहा है अब आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस बॉक्स को आप याद रख लें ठीक है आप जब आंखें बंद करें तो ये बॉक्स आपके सामने एकदम क्लियरली चले आए क्योंकि इस बॉक्स के हेल्प से आप इकोनॉमी को बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं क्लियर है ये जो पूरा चार्ट बना हुआ है इससे आप इकोनॉमी बहुत आसानी से समझ जाएंगे अब इस बात को आप जस्टिफाई होते हुए देखेंगे धीरे धीरे चलिए अब हमने यहां पर जो भी चीजें देखा उसे अब हम वर्चुअल साइकिल एंड विशियस साइकिल वाले कंसेप्ट लेकर आते हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं से से बिजनेस से। किसी भी इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या होता है उस इकोनॉमी पर प्रोडक्शन होना प्रोडक्शन किसका तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस ठीक है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना किसी भी इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माना जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को अगर आप डिफाइन करें एकदम आम बोलचाल वाले भाषा पर तो गुड्स मतलब क्या कि कोई एक ऐसी चीज जिसका प्रोडक्शन हो रहा है उसे आप देख सकते हैं आप छू भी सकते हैं जैसे कि ये मार्कर क्लियर है सर्विस क्या तो इसका भी प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन आप इसे देख छू नहीं सकते जैसे कि एजुकेशन सेक्टर ठीक है या पैसे लेकर किसी के लिए काम कर देना ये सर्विस सेक्टर के अंदर आता है पैसे लेकर किसी को पढ़ा देना एजुकेशन सर्विस सेक्टर के अंदर आता है पैसे लेकर किसी को घुमा फिरा देना टूरिज्म सेक्टर भी सर्विस सेक्टर के अंदर आता है पैसे लेकर किसी का इलाज कर देना, देना हॉस्पिटल भी सर्विस सेक्टर के अंडर आता है ठीक है तो किसी भी इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना क्यों क्योंकि जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा तब लेबर मार्केट पर हमें एम्प्लॉयमेंट होता हुआ दिखेगा लेबर मार्केट कहने का मतलब क्या हमारे देश के लोगों का वो एज ग्रुप जो 15 टू 59 नाइन ज के अंडर आते हैं ये वो लोग हैं जो इस गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं ठीक है तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अगर होगा तो लेबर मार्केट पर इस पर इस एज ग्रुप के पॉपुलेशन हमें एम्प्लॉयमेंट होता हुआ दिखेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ दिखेगा और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की क्या बढ़ेगी लोगों की इनकम भी बढ़ेगी ठीक है तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा अब ये आपने एक बॉक्स बना लिया हाउस होल्ड कर जो प्रोडक्शन पर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं या वो बहुत वास्ट पॉपुलेशन है जिसकी इनकम हो रही है जिन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते तो इनकम होगा हाउस होल्ड का तो ये यहां तक की कहानी हम समझ गए अब मैं ही अपने आप को एग्जाम्पल पर फिट करता हूं ठीक है सर्विस का प्रोडक्शन हुआ वीडियोस रिकॉर्ड हुए आपने मैंने पढ़ाया सर्विस का प्रोडक्शन हुआ मुझे एम्प्लॉयमेंट मिला जिससे मेरी क्या हो गई इनकम हो गई कितनी हुई ये मैं नहीं बताऊंगा लेकिन इनकम हो गई अब इस इनकम का क्या क्या होने वाला है चलिए समझते हैं सबसे पहले तो मेरी जो इनकम होगी उस इनकम का यूज मैं करूंगा टू तो फुलफिल माई कंजप्शन क्लियर है कंजप्शन का मतलब क्या किसी भी चीज का इस तरह से इस्तेमाल करना कि इवेंचुअली वो खत्म हो जाए वो बर्बाद हो जाए उसे आप कंजप्शन करेंगे और इजी वे में अगर मैं बता दूं तो मान लेते हैं कि मेरी इनकम हुई उस इनकम का कुछ हिस्सा मैंने यूज किया कपड़े खरीदने के लिए तो वो मेरे कंजप्शन कहलाएंगे कपड़े खरीदना मेरे कंजप्शन के लिए किया गया एक्सपेंडिचर कहलाएगा ठीक है तो मेरी इनकम का कुछ हिस्सा मैंने कंजप्शन के लिए आगे बढ़ाया कंज्यूमर मार्केट पर जहां पर यह प्रोडक्ट मुझे मिलने वाले हैं और उस कंज्यूमर मार्केट पर मेरे इस इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से क्या देखने को मिलेगा डिमांड कपड़ों का डिमांड मैंने क्या कर दिया बढ़ा दिया कपड़े मैंने खरीदे तो इस कंज्यूमर मार्केट से प्रॉफिट कहां चला जाएगा बिजनेस सेक्टर को या फिर उस सेक्टर को जिसने ये कपड़े बनाए थे जिसने कपड़े प्रोड्यूस किए थे क्लियर है आ रही बात समझ में प्रोडक्शन हुआ मुझे एम्प्लॉयमेंट मिला मेरी इनकम हुई मैंने कंजप्शन बढ़ाया मार्केट में डिमांड बढ़ा उस प्रोडक्ट का जिसके लिए मैं आगे गया हूं अपने कंजप्शन के लिए जिसे खरीद रहा हूं जब मैंने खरीदा तो उस जो मैंने पे किया उस पे का जो प्रॉफिट है वो बिजनेस सेक्टर के पास गया या फिर उस सेक्टर के पास गया जिसने उस गुड्स का प्रोडक्शन किया था जिसने कपड़े बनाए थे ठीक है अब यहां पर होगा क्या उस बिजनेस के बिजनेस सेक्टर के पास जब पैसे आएंगे तो वो फर्दर फिर से प्रोडक्शन बढ़ाएगा क्लियर है फिर से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा मेरे जैसे लोगों का फिर से मेरे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी और फिर से कंजप्शन बढ़ेगा फिर से मार्केट में डिमांड बढ़ेगा फिर से प्रॉफिट होगा और फिर से प्रोडक्शन होगा और इस तरह से ये एक साइकिल का रूप ले लेगा ठीक है साइकिल बन जाएगा मान लेते हैं कि इसे हम साइकिल वन कह देते हैं क्लियर है यह एक साइकिल आपको दिख रहा है साइकिल का मतलब क्या है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट आपको ना समझ में आए और पूरा एक साइकिल बने उसे आप क्या कहते हैं साइकिल तो यहां पर एक साइकिल बन गया प्रोडक्शन ही आगे चलकर प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर बनता गया प्रोडक्शन हुआ हुआ एम्प्लॉयमेंट लोगों की इनकम हुई मार्केट में डिमांड हुआ देन फिर प्रोडक्शन हुआ और इस तरह से ये एक साइकिल बन गया जिसे हमने क्या कह दिया साइकिल वन और इन सारे साइकिल इन सारे फैक्टर पर आप क्या देख रहे हैं एरो अपसाइड पर या पॉजिटिव साइड पर आप एरोस को देख रहे हैं कुछ अच्छा हो रहा है क्लियर है चलिए वापस आते हैं अब इस इनकम का पूरा हिस्सा तो मैं कपड़े खरीदने पर नहीं डाल दूंगा कुछ पैसा मैं क्या करूंगा सेव करूंगा और यह सेविंग मैं कहा करूंगा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर अभी के लिए आप इसे बैंक समझ सकते हैं ठीक है तो अपनी इनकम का एक हिस्सा मैंने क्या किया सेविंग्स के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर रख दिया अब यह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जो पैसे हैं उसका यह इंस्टीट्यूशन क्या करेगी उस पैसे को यह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ाएगी लोगों को उधार देगी और लोग उधार लेकर क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे ठीक है देखिए अब यहां पर आप जरा समझे कि जब मैंने मार्केट में डिमांड बढ़ाया तो बिजनेस सेक्टर के पास पैसा मिला और इस डिमांड की सप्लाई करने के लिए उसने फिर से प्रोडक्शन किया लेकिन इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसे और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और इन्वेस्टमेंट उसे कहां से मिलेगा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में ये पैसे कहां से आएंगे तो ये आएंगे मेरे सेविंग्स से क्लियर है तो जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स भी बढ़ेगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आगे लोगों को पैसे देगा उधार देगा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा फिर से लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी फिर से लोगों की इनकम बढ़ेगी फिर से सेविंग्स बढ़ेंगे और फिर से इन्वेस्टमेंट होगा और फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये जो सेकेंड वाला एरो आपने देखा इसके बेस पर आपने एक और साइकिल बनता हुआ देख लिया और इसे आपने क्या कह दिया इसे आपने कह दिया साइकिल टू क्लियर है और यहां पर भी आपको सारी चीजें पॉजिटिव साइड में ही जाती हुई दिख रही है चलिए आगे बढ़ते हैं अब मेरी इनकम का एक हिस्सा तो कंजप्शन पर गया था एक सेविंग्स पर गया था मेरी इनकम का एक हिस्सा अब गवर्नमेंट का इनकम बनेगा गवर्नमेंट को भी तो मैं पे करूंगा अगर मैं टैक्सेबल इनकम मेरी है और टैक्स पेयर की कैटेगरी पर आता हूं तो इनकम टैक्स पे करूंगा या फिर जब मैंने गुड्स परचेस किया था तो गुड्स के बदले पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी पे करूंगा तो यह भी मेरी इनकम से ही तो निकलेगा तो मेरी इनकम का ही एक हिस्सा गवर्नमेंट का इनकम बनेगा टैक्स के फॉर्म पर और गवर्नमेंट इस इनकम का क्या करेगी तो गवर्नमेंट इस इनकम से खर्च करेगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में गवर्नमेंट के इस खर्चे से देश में फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा फिर से लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी फिर से लोगों की इनकम बढ़ेगी फिर से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी फिर से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे और फिर से गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के इस खर्चे की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में फिर से प्रोडक्शन बनेगा और ये हमने एक और साइकिल देख लिया और इसे हमने क्या कह दिया साइकिल थ्री और यहां पर भी हमने जो भी आ, चेंजेस देखे वो भी पॉजिटिव साइड पर ही देखे सब अच्छा अच्छा ही हो रहा है क्लियर है चलिए लास्ट वाले एरो पर हम आते हैं मेरी इनकम से मान लेते हैं कि मैंने खरीदना चाहा कोई एक मोबाइल फोन और जिसका प्रोडक्शन होता है चाइना में तो इस वजह से होगा क्या कि मेरी इनकम से अब देश का इंपोर्ट बढ़ेगा ठीक है क्योंकि चाइना में प्रोडक्ट बना है तो वो इंडिया आएगा क्योंकि मैं उसे कंज्यूम करने वाला हूं उस प्रोडक्ट को तो मेरे देश का इंपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट अगर बढ़ेगा तो इंटरनेशनल मार्केट मेरे देश के लिए खुलेगा और जब इंटरनेशनल मार्केट खुलेगा तो सिर्फ प्रोडक्ट मेरे देश में आएगा नहीं मेरे देश से प्रोडक्ट जाएगा भी या फिर आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट भी होगा और अगर मेरे कंट्री पर प्रोड्यूस होने वाला प्रोडक्ट बाहर के देशों में आगे बढ़ने लगेगा तो क्या होगा इस बढ़ते हुए एक्सपोर्ट की वजह से फिर से प्रोडक्शन होगा फिर से लोगों की एम्प्लॉयमेंट होगी फिर से लोगों की इनकम होगी और फिर से इंपोर्ट बढ़ सकता है एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फिर से प्रोडक्शन होगा और इसे हमने क्या कह दिया एक और साइकिल का नाम दे दिया और इसे हमने क्या कहा साइकिल फोर तो आपने यहां पर चार साइकिल देख लिए छोटे छोटे साइकिल वन साइकिल टू साइकिल थ्री साइकिल फोर क्लियर है और चाहे वो ये वाला फैक्टर हो कंजप्शन वाला एरो हो चाहे सेविंग्स वाला एरो हो चाहे टैक्स वाला एरो हो चाहे इंपोर्ट वाला एरो हो इस हाउस से निकले हुए ये चारों एरो क्या करेंगे फिर से से जाकर बिजनेस टकराते हैं और फिर से प्रोडक्शन होगा तो इसे मैं एक बड़े एरो के रूप में भी समझ सकता हूं एक बड़े साइकिल के तौर पर भी मैं समझ सकता हूं कि प्रोडक्शन जब होगा लोगों की जब इनकम होगी तो यही इनकम अलग अलग, अलग फैक्टर से फिर से प्रोडक्शन इंश्योर करेगा कहने का मतलब प्रोडक्शन ही फिर से प्रोडक्शन को बढ़ाता जाएगा तो प्रोडक्शन से प्रोडक्शन प्रोडक्शन से प्रोडक्शन तो ये अपने आप में ही एक बड़ा साइकिल बन जाता है और ये सारी की सारे जो चेंजेस हैं ये पॉजिटिव साइड पर जा रहे हैं तो ये साइकिल है पॉजिटिव साइड पर है तो इस तरह से जब इकोनॉमी काम कर रही होती है जब हर जगह हमें पॉजिटिवनेस देखने को मिलता है हर एक सेक्टर इकोनॉमी का बढ़ रहा होता है चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे मार्केट हो चाहे बैंक हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो तब हम इसे क्या कहेंगे वर्चुअस साइकिल साइकिल तो था लेकिन कैसा पॉजिटिव वाला या फिर आप इसे वर्चुअस भी कह सकते हैं वर्चुअस को हिंदी में सदचक्र कहा जाता है क्लियर है तो ये हो गया वर्चुअस साइकिल का एक एग्जाम्पल तो बना वर्चुअस क्यों कहा हमने क्योंकि सारे चेंजेस जो हुए वो पॉजिटिव साइड पर हुए तो ये ये हो गया साइकल का example. अभी ये समझना क्यों जरूरी था मैंने क्यों कहा कि यह समझना जरूरी है क्योंकि यहां पर जब आपने छोटे छोटे साइकिल देखे तो आपने एक्चुअल में इकोनॉमी के वो फोर मेजर टॉपिक्स देख लिए जिस पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो कंसेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एफर्ट का सबसे ज्यादा टाइम एंड एनर्जी भी ये डिमांड करता है और वो चार छोटे छोटे साइकिल पर चार टॉपिक कौन कौन से हैं तो साइकिल वन जब हम कहते हैं तो साइकिल वन पर एक्चुअली हम क्या पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम टॉपिक जहां पर प्रोडक्शन या फिर जीडीपी से कहानी शुरू होगी और लोगों की इनकम या फिर पर कैपिटल इनकम तक कहानी चलेगी ठीक है तो जो आपने पहला साइकिल देखा वो एक्चुअल में क्या है उसकी स्टडी ही नेशनल इनकम की स्टडी बन जाती है चलिए जो आपने दूसरा साइकिल देखा कि लोगों की इनकम से बैंक में पैसे गए बैंक ने उधार दिया जिससे इन्वेस्टमेंट हुआ इस दूसरे साइकिल को जब हम पढ़ेंगे तो इस दूसरे साइकिल को हम किस नाम से पढ़ेंगे तो इस दूसरे साइकिल को हम पढ़ेंगे बैंकिंग के नाम से या फिर इसी टॉपिक पर हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन और इसी टॉपिक पर हम पढ़ेंगे इसी साइकिल पर बेस हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे मॉनिटरी पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी क्लियर है चलिए तो ये हो गया तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हमको ध्यान देना है और जब आप तीसरा साइकिल देख रहे होंगे कि लोगों की इनकम से गवर्नमेंट की इनकम होती है और गवर्नमेंट की फिर एक्सपेंडिचर का साइकिल आगे बढ़ता है तो इसे साइकिल थ्री को जब आप पढ़ेंगे तो इसे आप क्या कहेंगे इसे आप कहेंगे फिस्कल पॉलिसी ठीक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड प्लानिंग और पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी तो साइकिल थ्री एक्चुअल में किसकी स्टडी को डिनोट कर रहा है फिजिकल पॉलिसी की स्टडी को डिनोट कर रहा है और जो फोर्थ आपने साइकिल देखा उस फोर्थ साइकिल पर जब आप बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जब आप बात करेंगे तो इसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम देकर पढ़ने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम देकर पढ़ने वाले ठीक है तो वो फोर मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हुए तो वो फोर मेजर टॉपिक्स पहला नेशनल इनकम ठीक है जिसे आपने साइकिल वन में देखा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होगा मनी बैंकिंग इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी जिसे आपने साइकल टू पर देखा ठीक है जो तीसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो कौन सा होगा फिजिकल पॉलिसी ठीक है और इसे आपने कहां पर देखा इसे आपने साइकिल थ्री पर देखा क्लियर फिर उसके बाद फोर्थ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप डील करने वाले हैं वो क्या होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट और इसे आपने साइकिल फोर में देखा ठीक है तो ये फोर मेजर टॉपिक्स हैं जिस पर आपको ध्यान देना है कंसेप्शुअल वे पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सारे टॉपिक्स ये चारों टॉपिक्स जब आप समझ जाएंगे तब कहीं जाकर सही तरीके से आपको प्लानिंग वाला टॉपिक समझ में आएगा एम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक समझ में आएगा पॉवर्टी वाला टॉपिक समझ में आएगा इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर वाला टॉपिक समझ में आएगा तो ये चार टॉपिक अपने आप में तो इंपॉर्टेंट है ही और इकोनॉमी के बाकी टॉपिक्स को समझाने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो हमारा जो मेजर फोकस होने वाला है वो इन्हीं चार टॉपिक्स के स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन पर होने वाला है स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन कहने का मतलब क्या है इकोनॉमी का सबसे खास बात ही यही है कि इसमें स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ में डायनेमिक पोर्शन भी होता है स्टैटिक पोर्शन कहने का मतलब क्या इस सब्जेक्ट का वो वाला पार्ट जो कभी नहीं बदलता जैसे कि डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ठीक है डायनामिक पार्ट वाला टॉपिक कहने का मतलब क्या है जिसमें आप कुछ नए नए डेवलपमेंट देखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल जब आप जीडीपी का डेफिनेशन देखेंगे तो ये डेफिनेशन कभी नहीं बदलेगा ये स्टैटिक पार्ट लेकिन जब आप प्रेजेंट फॉर्म पर देखेंगे तो बोलेंगे जीडीपी की ग्रोथ रेट गिर रही है ड्यू टू पेंडेमिक कोविड नाइनटीन तो यह क्या हो गया इसका डायनेमिक पार्ट हो गया कि जीडीपी के ट्रेंड पर क्या अभी हमें रिसेंट में डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है तो हम स्टेटिक एंड डायनेमिक दोनों ही पोर्शन पर कमांड बनाएंगे और इस टॉपिक की तो डिमांड ही है कि इसके स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन को साथ में लेकर चला जाए क्लियर है तो चलिए ये चार टॉपिक तो हमने समझ लिया हमने ये भी समझ लिया कि वर्चुअल साइकिल क्या होता है और वर्चुअल साइकिल को समझने के बाद हमने एक ये पॉजिटिवनेस देखा कि इकोनॉमी पर अगर प्रोडक्शन होता है तो इकोनॉमी के सारे फैक्टर पॉजिटिव साइड पर मूव करते हैं और फिर से प्रोडक्शन होता है ठीक है ये बहुत खूबसूरत चीज है कि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है इसीलिए इकोनॉमी भी इसी तरीके से पढ़ना चाहिए कनेक्शन बैठाते हुए पढ़ना चाहिए हम अपनी सहूलियत के लिए नेशनल इनकम फिजिकल पॉलिसी मनी बैंकिंग अलग अलग करके पढ़ते हैं लेकिन एक्चुअल में सारे ही टॉपिक एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है और हमने इस साइकिल पर इस कनेक्शन को देखा भी है क्लियर है लेकिन ये जो एक दूसरे के साथ में कनेक्शन है इकोनॉमी के सारे फैक्टर के सारे डायमेंशन के यही कई बार नेगेटिव इंपैक्ट भी शो करता है फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर विशियस साइकिल समझने की कहानी शुरू होने वाली है क्लियर है चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम अभी का ठीक है हमें पता है कि कोविड की वजह से क्या हुआ लॉकडाउन हुआ ठीक है और सोशल डिस्टेंसिंग हुआ और इन दोनों ही कारणों से हमें क्या देखने को मिला कि लोग घरों में बंद हो गए कंपनियां फैक्ट्रियां रुक गई लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं लोग सिर्फ अपने बेसिक नीड एसेंशियल कॉमोडिटी को ही परचेस कर रहे हैं दुकानें बंद हैं प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो कहने का मतलब क्या कि जब लोग घर से निकलेंगे ही नहीं तो क्या अपने कंजप्शन के लिए वो खर्च करेंगे दुकान ही नहीं खुला हुआ है ठीक है कंजप्शन के लिए खर्च वो नहीं करेंगे और अगर कंजप्शन के लिए खर्च नहीं करेंगे और ये लॉकडाउन भी है तो मार्केट में डिमांड क्या दिखेगा कम दिखेगा और जब मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो बिक ही नहीं रहा है तो जो बिजनेस सेक्टर है जिसने उन गुड्स का प्रोडक्शन किया था जो अभी मार्केट में अवेलेबल है उन्हें क्या प्रॉफिट मिलेगा क्या तो उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्लियर है और जब उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा और मार्केट में डिमांड नहीं है तो क्या गुड्स एंड इसलिए भी प्रोडक्शन नहीं होगा और दूसरा डिमांड नहीं है इसलिए भी प्रोडक्शन नहीं होगा अब इससे होगा क्या कि इस लेबर मार्केट पर हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट गिरता हुआ दिखेगा और हमने ये अभी प्रैक्टिकली देखा भी है कि पेंडेमिक की वजह से कई लोगों की नौकरियां चली गई क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा था और लोगों के एम्प्लॉयमेंट अगर गिरने लगेंगे तो इनकम लोगों की क्या होने लगेगी कम होने लगेगी जिससे फर्दर कंजप्शन होगा क्या नहीं होगा डिमांड और गिरेगा प्रॉफिट और कम होगा तो प्रोडक्शन और कम होगा और ये एम्प्लॉयमेंट और गिरेगा पॉवर्टी बढ़ने लगेगा लोगों की इनकम कम होगी इससे गरीबी होगी क्या बढ़ने लगेगी पॉवर्टी बढ़ने लगेगी तो ये एक साइकिल बन गया लेकिन ये साइकिल कैसा है नेगेटिव चेंजेस को शो कर रहा है पहले वर्चुअल साइकिल में हमने हर चीज सदा बाहर देखा पॉजिटिव चेंजेस देखे लेकिन अब यही इकोनॉमी का जो कनेक्शन वाला जो खूबसूरत चीज था वही बदसूरत चीज भी दिखने लगा कि एक जगह गड़बड़ हुआ कंजप्शन रुका तो ये पूरा का पूरा मामला एक बार फिर से नेगेटिव साइड में चला गया और अगर लोगों की इनकम नहीं हो रही है तो क्या बैंकों में सेविंग्स होंगे क्या नहीं होंगे जिससे बैंक इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दे पाएंगे क्या नहीं देंगे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा देखिए मार्केट में अगर डिमांड नहीं है तो कोई बिजनेस सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा क्या क्यों ही करेगा नुकसान के लिए थोड़ी ना गवर्नमेंट तो होगा? होगा तो के पास पैसे जाएंगे क्या नहीं जाएंगे प्रैक्टिकली चाहिए कलेक्शन होने चाहिए वो कलेक्शन नहीं हो पा रहे जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स भी हो रहे तो लोगों के पास जब इनकम ही नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट के पास फिर इनकम क्यों होगा और जब लोगों के पास इनकम नहीं हुआ गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं हुआ तो गवर्नमेंट खर्च करने भी नहीं पाएगी या करेगी तो गवर्नमेंट को बहुत उधार लेना हो पड़ेगा उसका एक अलग कंसेप्ट है जो फिजिकल डेफिसिट है उसे बाद में पढ़ेंगे फिजिकल पॉलिसी पर क्लियर है और ये साइकिल भी गिरता हुआ दिखेगा हमारे पास इनकम नहीं तो इंपोर्ट नहीं करेंगे लॉकडाउन पूरी दुनिया में है तो हमारा प्रोडक्ट भी कोई नहीं खरीदेगा हम प्रोडक्ट बना नहीं रहे तो एक्सपोर्ट कहां से होगा फिर से प्रोडक्शन गिरेगा और यह पूरी की पूरी इकोनॉमी क्या होगी धराशायी हो जाएगी पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी और ये जो आप साइकिल अब देख रहे हैं इस साइकिल को क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है विशियस साइकिल ऑफ इकोनॉमी ठीक इसके पहले जो आपने साइकिल देखा था उसे क्या कहा जाता है तो मैं यहां पर कहीं लिख देता हूं यहां पर लिख देता हूं वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी कहते हैं किसे वो पॉजिटिव वाला जो मामला बैठा हुआ था ठीक है तो पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई गवर्नमेंट कोलैप्स हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक बर्बाद हो गए मार्केट में पैसे नहीं है लोग गरीब हो गए लोगों के पास नौकरियां नहीं है इंटरनेशनल मार्केट कोलैप्स हो गया एक जगह पर दिक्कत आया था कहां पर कंजप्शन पर और पूरा का पूरा इकोनॉमी गिर गया क्योंकि इकोनॉमी कनेक्टेड है ठीक है तो हमें इकोनॉमी को पढ़ना भी ऐसे ही पड़ेगा हमें कनेक्शन बैठाते हुए ही पढ़ना पड़ेगा नहीं तो इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा टफ लगने लगता है अगर हम कनेक्शन बैठा कर ना पढ़ें तो इकोनॉमी को पढ़ने का तरीका मजेदार होना चाहिए फिर इस सब्जेक्ट से मजेदार सब्जेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता ऐसा मेरा मानना है क्लियर है चलिए तो ये हमने यहां पर देख लिया वर्चुअल साइकिल एंड ये तो विशेष साइकिल आपने देखा इसके पहले हमने वर्चुअल साइकिल देखा तो एक्चुअल में आपको इकोनॉमी के साथ करना क्या होता है आपको ये हमेशा इंश्योर करना पड़ता है ये एफर्ट लगाना पड़ता है कि हमारी इकोनॉमी विशेष साइकिल की तरफ ना बढ़े हमारी इकोनॉमी हमेशा वर्चुअल साइकिल की तरफ ही बढ़ता बढ़ते जाए इसलिए कहीं पर भी कुछ दिक्कत आएगा तो तुरंत वहां पर प्लानिंग शुरू हो जाएगी कि भाई अब विशेष साइकिल की तरफ जा सकते हैं इसलिए क्या करना होगा अपनी इकोनॉमी को बचाना होगा अब लॉकडाउन बंद करना होगा अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि अगर अनलॉकडाउन नहीं करोगे तो हम इस तरह से कोलैप्स हो जाएंगे हमने तो एग्जाम्पल भी देखा था ना कि जी जो था वो माइनस ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन परसेंटेज नेगेटिव ग्रोथ रेट आया था क्वार्टर का ठीक है जितना प्रोडक्शन हुआ था आ, क्वार्टर पर क्वार्टर मतलब थ्री मंथ के पीरियड की आप बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर के थ्री मंथ की आप बात कर रहे हैं ड्यूरेशन की तो माइनस ट्वेंटी थ्री परसेंटेज नेगेटिव ग्रोथ हमें जीडीपी का देखने को मिला था तो भाई अगर ये ऐसे ही बना रहा लॉकडाउन बना रहा तो क्या होगा पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी विषय साइकिल में चले जाएगी इसलिए अनलॉक डाउन करना पड़ेगा भले अभी वैक्सीन नहीं आई हो भले अभी भी कोविड के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं लेकिन इकोनॉमी को बचाना है अनलॉक करना होगा नहीं तो लोग गरीबी और भूखमरी से ज्यादा मर जाएंगे जितने कोविड से नहीं मरेंगे क्लियर है तो इसलिए हमने अनलॉकडाउन शुरू कर दिया तो ठीक इसी तरह से इकोनॉमी को हम समझते चलेंगे इस वर्चुअल साइकिल एंड विशियस साइकिल को आप समझे चलिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के सारे कंसेप्ट को समझने के लिए ठीक है चलिए नेक्स्ट वीडियो से हम इकोनॉमी के कोर टॉपिक्स की शुरुआत कर देंगे थैंक यू सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें